प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष योजना का लाभ लेने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मंगलवार को भीमराव अंबेडकर पार्क गंज में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सेवादल के प्रदेश सचिव राकेश राय के निर्देश अनुसार एसडीएम बृजेश सक्सेना की कार्यशैली के विरोध में सेवादल जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए गए हितग्राही महिला पुरुषों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हिस्सा लिया गया। भूख हड़ताल पर बैठे महिला पुरुषों ने संत रविदास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया, बाबा भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आवास योजना के सर्वे में पटवारियों के द्वारा कई पात्र हितग्राहियों को कच्चे मकानों की जांच नहीं की गई है। पटवारियों और नगरपालिका के आरआईओं के द्वारा बिना जांच के ही अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिस कारण नगरपालिका के द्वारा बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कच्चे घरों में बरसों से रह रहे हितग्राहियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवादल जिला अध्यक्ष श्री खंगराले ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां पर जो सर्वे कार्य पटवारियों के द्वारा किया गया है, चार पटवारियों द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से, उसमें कई पटवारियों, कई वंचित परिवारों को, कई दर्शित सूची के अनुसार घरों को उन्होंने मतलब वंचित कर दिया गया है। इस कारण से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि एसडीएम साहब स्वयं यहाँ पर आएँ और पटवारियों को यहाँ भेजें और हमारी मांगों की पूर्ति कराएँ और गरीब लोगों का सर्वे कार्य कराया जाए। जब तक हमारे सर्वे कार्य पूरे नहीं होंगे गरीब घरों के वार्ड नंबर 11, 12, 7 या अन्य और भी जो वार्ड हैं, जब तक हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलती रहेगी। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।